जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एजाज कुरैशी टोरंटो कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। नूर नकवी भाई हमारे साथ हैं, ज़ाफ़रान चेची भाई हैं, नरम जमाल हमारे साथ हैं, बहुत अच्छी अच्छी शख्सियात हमारे साथ आज मौजूद हैं। और हम लोग आज बात करने वाले हैं कि प्रैक्टिस जो है वो उसका हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है और कैसे हम प्रैक्टिस करके किसी हैबिट को परमानेंट बना सकते हैं, कैसे, हाउ कैन वी वर्क ऑन इट टू मेक इट परमानेंट। और इस पर बात करने के लिए हमने आज एक बहुत ही प्यारी शख्सियत को मधु किया है। नम जमाल, हेलो, हाउ आर यू। वो शख्सियत हैं मोहम्मद सिद्दीक साहब, मेरे बड़े प्यारे दोस्त, बहुत पुराने दोस्त। मैं कहूँगा कि जब मैं यहाँ 97 में मूव हुआ था, जब से हमारी दोस्ती है तो 20-22 साल उस बात को हो गए हैं। मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, इनका स्टूडेंट भी हूँ, और इनसे मैंने बहुत कुछ मैंने सीखा है अपनी ज़िंदगी में भी, पर्सनल लाइफ में भी, शोज़ के हवाले से। अपना सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, इनका अपना शो है, बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने काम किया है। आजकल जो है वो एक बहुत ही नई चीज़ ये लेकर के आए हैं मार्केट में, और उसी के हवाले से इन्होंने जो है वो वॉक करना शुरू की। बात थी प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट या वुमेन परफेक्ट, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखते हैं कि उस प्रैक्टिस से इनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई। अपने शो पे वेलकम कहते हैं जनाब, हम ऐड करते हैं साहब मोहम्मद सिद्दीक साहब जो हैं वो स्वीनी अटलांटा में हैं और वहाँ पर रहते हैं, बड़े रहते हैं, पहले टोरंटो में थे, उसके बाद विंडसर में थे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है सिद्दीक साहब? वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह जनाब। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ कि जनाब ताखीर हो गई। सब कुछ ठीक है, आपको पता है हमारी मीटिंग प्लान बी मीटिंग हमेशा लाइन अप होती है ना। एग्जैक्टली, प्लान बी बिल्कुल होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप व्यूअर्स, मैं आप सब लोगों का इंडिविजुअली नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मकसद इस शो का सिद्दीक साहब के साथ बात करना है और उनसे ये जानना है कि क्या वाकई वो जो 21 डेज का चैलेंज था उसने हेल्प किया इनको या नहीं किया, या को बहुत ही ज्यादा कमिटमेंट थी, कैसी थी। तो उससे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सिद्दीक साहब से, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं और सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं। मैं बड़ा मता जब लव सीरियल एंटरप्रेन्योर का आता है तो मैं वैसे ही इंप्रेस हो जाता हूँ। तो नेचर नेचर है कि जी सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, इतने सारे काम करते हैं माशाल्लाह से। तो ये तमाम दोस्त हमारे साथ शो पर मौजूद हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप छोटा सा अपना एक ब्रीफ इंट्रो अगर आप करवा दें सिद्दीक साहब, ताकि हमारे जो दोस्त हैं ये आपको पहचान सके, जान सके। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी ऑनर है कि मैं आपके शो में हूँ। मुझे साल पूरा इंतजार करना पड़ा शो में आने के लिए। ये मेरा ऑनर है कि आप मेरे शो पर तशरीफ लाए। हाँ जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल स्टूडेंट फॉर लाइफ हूँ। आपको पता है हमारे कॉमन मेंटर थे टी कैट हाउजर, ही पास्ट अवे। वो कहते थे लाइफ आपने हमेशा अपना इंट्रोडक्शन ना स्टूडेंट फॉर लाइफ करना है कि यू कीप लर्निंग एंड लर्निंग एंड लर्निंग। द मोमेंट आइंस्टाइन ने कहा था कि The moment you stop learning, you start dying, basically, ये है ना। तो आपने, मैं तो student for life हूँ। थोड़े बहुत छोटे मोटे काम शाम आते हैं, मतलब अपने अपने लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। वो ये कि जो मेरा main focus है, I am the co-author of New Success Secrets. Of course, I co-authored, you know, with the great mentor. He was the author of 57 books. That was the last book he wrote, you know. तो उसके अलावा मैं कोई एयरबीएनबी में कोई काम ऐसा रियल स्टेट से इन्वॉल्व है ज्यादातर, जिसमें कैश फ्लो, कोई काम ऐसा करें जिसमें कैश फ्लो आता रहे, यू नो। तो पहले मैंने कैश फ्लो की तरह ज्यादा फोकस किया, फिर उसके साथ ऐसा किया जिसमें कैश फ्लो भी हो और अगला स्टेप जो है वो उसके साथ वेल्थ बिल्डिंग भी हो, यू नो। कैश फ्लो प्लस वेल्थ बिल्डिंग, दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट। रियल एस्टेट एंड कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एंड विद हेज फंड्स एंड ऑल दैट गुड स्टफ, आई डोंट वांट टू बोर एनीवन एल्स। तो लेकिन मकसद क्या है कि जिंदगी में कोई भी काम करना है, आपने हम जो बात करने लगे उसमें आपने एक्शन लेना है और प्रोग्रेस करनी है, असल बात ये। तो वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द पर्सन परफेक्ट ना, प्रैक्टिस इज नॉट ट्रू, इनफैक्ट इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट्स अ मिथ है। अगर आपने प्रैक्टिस में प्रोग्रेस में कभी गए ही नहीं है तो प्रैक्टिस ही करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा।
सही, तो आपने प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने उसको प्रोग्रेस में एक्शन लेके उसमें उस जितना आता है उसको अप्लाई करना शुरू कर देना है, यू नो। ठीक है, बिल्कुल ठीक। एग्जाम्पल है डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे होस्ट हैं आज, आपने प्रैक्टिस उस लर्न करके उसको प्रैक्टिस में प्रैक्टिस की, पहले लर्न कर, लर्निंग के दौरान प्रैक्टिस करते हैं, जब तक उसको अगर आपने इंप्लीमेंट ना किया होता तो आज वो आप प्रोग्रेस में आपको परफेक्ट बनाया ना, वरना तो बिल्कुल सीखने वाले तो आपके साथ और भी बहुत है, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, यू नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। बिल्कुल रियलिटी बिल्कुल में आपने कोई भी काम करना है तो आपने प्रोग्रेस में उसको इंप्लीमेंट करना है, फिर आपने उस पर जाना है। आज पे हम बात करेंगे, लेकिन हमारा टॉपिक तो मॉर्निंग वॉक से शुरू होता टॉपिक है। मॉर्निंग वॉक से शुरू होता है, लेकिन अब मैं ये जरूर पूछूंगा कि आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ आज आपको शो करके। यू नो आई एम सो ऑनर्ड एंड हम्बल। इट्स मतलब जैसे अंदर से जैसे बंदा कहता है ना, जैसे वो इमोशनल हो जाता है, यू नो। आई रियली मीन इट, मैं आपको वो खुश थैंक यू करने के लिए नहीं कह थैंक रहा, आई रियली मीन इट। यू यू, नो बहुत डॉक्टर शुक्रिया, साहब, यू आर ए बहुत थैंक ट्रू इंस्पिरेशन एंड स्टोरी फॉर मैनी टू फॉलो। यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ठीक है, शुक्रिया जनाब। मैं हूँ स्टूडेंट, इनका दोस्त पहले था और बहुत अच्छा दोस्त, और हम लोगों ने एक ही कंपनी के लिए काम किया, ओरेकल कॉरपोरेशन के लिए, कनाडा के लिए काम किया। फिर मूव हो गए सिद्दीक साहब यूएस, ओरेकल यूएसए के लिए काम करने लग गए। बड़ा अरसा हम साथ रहे, विंडसर मूव हो गए यहाँ से, मिसागा से, टोरंटो से, उसके बाद में फिर यूएस मूव हो गए और वहाँ पर अब तक मुकीम है और बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, सीरियल एंटरप्रेन्योर जिस मैंने अर्ज़ किया, और मेरे बड़े मोहसिन हैं ये। जो अच्छा काम करता हूँ सोशल मीडिया पर वो मैं करता हूँ, और जो मुझसे भंड हो जाता है, जो गलत काम हो जाता है, उसके जिम्मेदार ये बैठे हुए हैं सामने, ये बैठे हैं, और ये ये मेरे इस बहुत तरफ बड़ा बोझ है, ये बहुत बड़ा बोझ है जो आप बता रहे हैं। जो मेंटर थे हमारे टी कैट हाउसर, वो यही कहते थे कि जो भी अच्छा काम करे उसका क्रेडिट आप खुद ले लेना, जो बुरा काम करे वो मुझे पास ऑन कर दे, आई लव टू टेक यू, क्योंकि वो मैंने सिखाया नहीं है आपको, यू नो। लेकिन डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़े लोगों बहुत के शुक्रिया, दिलों में इंस्पिरेशन डाल रहे हैं, बहुत लोगों में करेज दे रहे हैं कि यस दे कैन डू इट, दैट्स द की पार्ट, यू नो। इट्स नॉट अबाउट योर सेल्फ, इट्स ऑल अबाउट देम, हाउ यू बिल्कुल, कैन इंस्पायर देम एंड हाउ दे एब्सोल्युटली कैन, या बिल्कुल एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया। तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं, मेरी जी। कोशिश ये होगी कि बजाय कमेंट पढ़ के, टाइम आपके कमेंट आ गए मैंने देख ली, मैं सब कमेंट पढ़ रहा हूँ, सदीक साहब भी पढ़ रहे हैं, कोशिश ये करेंगे कि सिद्दीक साहब से हम लर्न करने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने इनसे बहुत लर्न किया, और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो इनका मरहूने मिन्नत है, सारा क्रेडिट इनको जाता है, मेरे मेंटोर हैं, मेरे कोच हैं, मेरे ट्रेनर हैं, मेरे भाई हैं, और टाइम टू टाइम मुझे कॉल करके मुझे फीडबैक लेते रहते हैं कि हाउ इट इज़ गोइंग, गाइड करते रहते हैं, मशवरे देते रहते हैं, मैं इनका बहुत मशकूर हूँ, तहे दिल से मशकूर हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो दो शख्सियात, जिनमें सबसे पहले मोहम्मद सिद्दीक साहब हैं और उसके बाद रेहान अल्लाह वाला साहब हैं, कि जिन्होंने मुझे अल्टीमेट कनेक्टर, जिन्होंने मुझे इतने सारे लोगों के साथ कनेक्ट किया, तो ये वो दो शख्सियात हैं जिनका मेरी जिंदगी, और तीसरी शख्सियत जो है वो हैं सरोज झंझुआ साहब। ये तीन आदमी मेरी जिंदगी के अंदर की रोल, मेरी बेगम के अलावा इन लोगों ने मेरी जिंदगी में की रोल पैदा जो है वो प्ले किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सिद्दीक साहब। ह्यूमर का पार्ट भी होना चाहिए ना यार, साथ साथ, क्या ख्याल है आपका, लेकिन आपसे ही मैं सीखा है हमने। ऐसे कमेंट करना चाहूंगा कि ये क्रेडिट आपको जाता है कि आपने वो इम्प्लीमेंट किया। सीखने वाले तो बहुत होते हैं, इम्प्लीमेंट करने वाले बहुत थोड़े होते हैं, यू नो। बहुत शुक्रिया, बहुत आई शुक्रिया, लव बहुत सीइंग शुक्रिया, पीपल प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में सक्सेस जरूरी नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बैक पे जाते हैं। क्या आपको जरूरत पेश आई कि आपने ये डिसाइड किया, क्या मोटिवेटिंग फैक्टर था या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था सदीक साहब, कि जिसमें आपने डिसाइड किया कि नहीं, आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस हाउस एंड गो एंड स्टार्ट डूइंग समथिंग? अच्छा, इसमें एक ह्यूमर एलिमेंट पहले ऐड बताते हैं, फिर बाद में सीरियस हाँ बताते हाँ हैं। पहले ह्यूमर सर, बिल्कुल ह्यूमर बिल्कुल एलिमेंट पहले। यह है कि जब आप 24 घंटे घर में हो, बेगम कहती कहीं जाओ तो सही, आप हर वक्त घर में बैठे रहते हैं निकम में। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है, सेट असाइड, क्योंकि मेरे फादर को भी डायबिटिक थे, वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मेरे छोटे भाई आमीन भी आमीन, डायबिटिक थे, वो मतलब इसमें ये खानदान में जब डायबिटिक शुगर का मसला हो तो जेनेटिकली 25% मच हायर चांसेस, यू नो। ये जेनेटिकली चीज है, ये बिल्कुल अवेयरनेस के लिए मैं बिल्कुल बात सही कर कहा, रहा हूँ ना, जी जी यू नो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आई गो फॉर एनुअल फिजिकल एवरी ईयर, लेकिन मैं एनुअल पे गया हूँ तो वो कहता है आप प्री डायबेटिक स्टेज में चले गए हो। ये 5 साल का ओ टाइम होता है जिसमें आप अच्छा दे चांस टू गो बैक टू नॉर्मल। ठीक है, ये अच्छा 2 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने फौरन ना
जब भी कोई मसला आपको प्री डायबिटिक परेशानी है ना कि आप ये डायबिटिक आप हो जाए तो फिर रिकवर करना काफी मुश्किल है। सिर्फ इंसुलिन लेते रहे, दवाइयां खाते रहे, मतलब सारी जिंदगी का हिस्सा है आपका, ठीक है। बिल्कुल, वो फिर सारी जिंदगी के लिए साथ है, अच्छा, बिल्कुल। लेकिन मैंने कहा नहीं, इस पे तो कुछ करना है ना। वो क्या कर रहे, वो कहते हैं जी आप कुछ वॉक करें, बस जो डॉक्टर कहता है ग्रीन खाएं, ये करें वो करें, मतलब आपको मतलब वो कहते हैं, लेकिन डॉक्टर के अपनी इतनी इतना पेट है, वो दूसरे को क्या कहे। मैंने डॉक्टर साहब आप मुझे तो बता रहे हो, आप अपने बारे में क्या ख्याल है आपका, यू नो सही मतलब बात है, फिजिकली यू बिल्कुल कैन सी इट, मतलब देयर इज नथिंग टू हाइड, यू नो। राइट राइट राइट। तो कहते नहीं ये आसान नहीं है। मैं कहा अच्छा ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने आई वॉच वन टेड टॉक, जिसमें वो डायबिटिक को मतलब अपने आप को रिकवर करने का क्या तरीका, तो उसमें मैंने पोस्ट किया, तो एक इधर सैयद जैद साहब हैं, जैन सैयद हैं इधर अटलांटा में, उनकी एक वो ऐसे वीडियो मैंने वॉच की, मेरे क्लोज फ्रेंड हैं जो फेसबुक पे, उन्होंने शेयर किया। तो मैंने अच्छा कहा 15-20 मिनट में उनके घर गया, वो उनसे मिला हूँ इन पर्सन, इंडिया के हैं मुसलमान। तो वो मैंने जी उनसे पूछा कि कैसे है, माशाल्लाह 65+ है, और आपको लगेगा जैसे यंग मतलब 30+ बंदा चल फिर रहा है, यू नो वाह, एक्टिव, यानी बिल्कुल मेरे एक्टिव। मेरे जैसे लगते हैं। जी, आप कह सकते हैं। अच्छा, अच्छा उससे ठीक, क्या हुआ, मैंने डॉक्टर साहब, मैंने कहा डॉक्टर साहब वो जैन साहब बताएं जी क्या करूं। कहता है मुझे डायबिटिक हो गई थी, मैंने अपने आप को होने के बाद रिकवर किया है, तो इट्स पॉसिबल। वाह अगर प्री डायबिटिक तो वेरी इजी टू रिकवर। खैर, उसने मुझे खाने का बताया, स्मूदी और ये रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने। लोग फौरन कहेंगे हैं रोटी चावल नहीं खाने, खाना क्या है, वो बात की बात बड़ा है, अरसा छोटा किया टॉपिक आपने, था। वो मैं देखता रहता था, बड़ा अरसा किया आपने, मुस्तकिल आपने वो फॉलो किया और रिलीजियसली आपने वो फॉलो किया है कि स्मूदी के ऊपर आपने लंच पे आपने स्मूदी लिए सिर्फ, वो मैं और आज ही नो फॉलो कर रहा कार्ब्स, हूँ, वो मैं आज ही नो फॉलो कर रहा कार्ब्स हूँ, यस यू आज नो भी दैट, फॉलो कर रहे हैं। हाँ ऑलमोस्ट बिल्कुल ओवर 2 ईयर्स नाउ, ठीक है। तो अच्छा, वो उसे मैं फिर को नॉर्मल हो गया, अगले साल फिर नॉर्मल हो गया। लेकिन अभी मैं कुछ महीने पहले मैं गया हूँ फिर वापस, अब मैंने वॉक ऐड नहीं की। अब हर चीज तो इंसान, मैं भी तो सब वही है ना, मैं क्या चले खाने पे 80% जो ऑल योर इनटेक, इसको मैं ठीक करता हूँ, बाद में बाकी देखते हैं। लेकिन मैं उसके दरमियान में बाई चांस वॉक वाला एलिमेंट मिस हो गया, मैं भी इंसान हूँ सबकी तरह। सही तो बात, अभी वो बिल्कुल आया तो वो कहता है अब ठीक हो गए थे, लेकिन अब फिर वापस प्री डायबिटिक स्टेज में चले गए हैं। आप क्या वॉक करते हो, नहीं करते खाने का, मैं क्या खाने का, तो वो जो आप कह रहे हैं मैं ठीक कर रहा हूँ। तो मैंने जैन से ही साहब टीचर को फिर अपने कॉल किया, कहते हैं ये तो ऐसे ही होगा ना, आपने हिलना तो बंद कर दिया, हिलना तो जरूरी हिलना है। बंद कर दिया अच्छा ये, बिल्कुल बिल्कुल। फिर, अच्छा वो कहता वॉक करें, मैं कैसे करूं। कहता मैं 65+ हूँ, मैं इतने समय मैं रोज करता हूँ, 1 घंटा जिम जाता हूँ, वॉक करता हूँ, तो आप क्यों कर सकते हैं, ये आपका अपना टाइम है, बला बला बला। मैं कहा ठीक है जी, अब आपने मुझे झटक दिया, अब नाउ आई विल फॉलो थ्रू। लेकिन क्या आपको पता है ये कोई भी नया काम करना, फॉलो करना तो मुश्किल है सारा, कहना तो आसान है, सुनना भी आसान है। अच्छा सुन लिया, ठीक है। फिर मैंने आपको पता ही है, जब मैं फेसबुक पर डाला कि आई नीड योर हेल्प, मेरे पब्लिकली अकाउंटेबल पार्टनर बने और मतलब करें, क्योंकि बिल्कुल वो नई चीज को अडाप्ट करना सबसे मुश्किल काम है, मुश्किल बहुत काम, मुश्किल है, बिल्कुल ठीक है। वो काम बिल्कुल वॉक आसान है, वॉक तो हम वो करते हैं, लेकिन उसको हैबिट के तौर पे बनाना कंटिन्यू सबसे करना, मुश्किल बिल्कुल करना। जी, तो बिल्कुल मैंने ये बिल्कुल सोच, एक तो वो सैमसंग हेल्थ चैलेंज है, वो 1 मिलियन+ लोग उसमें हर मतलब रोज वॉक करते हैं पूरी दुनिया से। मैंने एक चैलेंज अपने आप को किया है, चैलेंज आपको पता है न्यू सक्सेस सीक्रेट बुक में एवरीथिंग इज चैलेंज ना, तो आप उसमें, चैलेंज है बिल्कुल। मैंने उसमें अपने आप को एनरोल किया था, लोगों से इंस्पिरेशन मिलती रहती है, यू नो प्लस साथ। फिर मैंने कहा ये चूंकि हम व्हाट वी नो अबाउट लिटिल बिट टॉकिंग एवरी डे, यू नो, तो मैंने कहा अच्छा फेसबुक पे जाके, फेसबुक के जो फ्रेंड्स हैं बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, बात सुनते हैं, मैसेज भेजते हैं, चले उनको अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लो, यू बिल्कुल नो। सही, बिल्कुल तो वो फिर मैंने हर रोज वॉक करने के बाद, पहले नहीं, ये नहीं कि मैं सिर्फ फेसबुक लाइव करने गया हूँ, वो पर्पज नहीं, जो असल पर्पज है वॉक करना है। पहले बिल्कुल महीने मैंने कहा रोज 60 मिनट्स में करूंगा, जितनी भी स्पीड हो, स्लो हो, फास्ट हो, डजंट मैटर, मुझे हैव टू गेट ठीक आउट फॉर सिक्सटी ठीक मिनट, ठीक है। बिल्कुल ठीक है ठीक, वो क्या, गर्मी हो, सर्दी हो, ठंड हो, बारिश हो, मुझे 60 मिनट के लिए बाहर जाना है। वो टाइम एक में चेंज घंटा कर जाना है, सकता हूँ, अगर बारिश ज्यादा है तो मैं वॉक मॉल के अंदर जाकर वॉक कर लूंगा, मुझे हैबिट बनानी है बेसिकली, एक्सक्यूज नहीं, सही, फायर द ऑल द एक्सक्यूजेस, गुड बाय ऑल द एक्सक्यूजेस, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल अभी वो उस तरह करके अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आपने दरमियान में मुझे चैलेंज कर दिया, आपने कहा ये 21 डेज करें, ये डॉक्टर साहब आपको क्रेडिट जाता है, तो आप ये आपकी हैबिट बन जाएगी, ठीक है। थैंक यू, बिल्कुल जी, तो डॉक्टर साहब मैंने कहा अच्छा 21, अभी 7-8 दिन तो ऑलरेडी हो गए, डॉक्टर साहब ने कहा अभी हो गए थोड़े एग्जैक्टली दिन रह गए हैं। तो मैंने वो पहले पहले 2-3 हफ्ते, डॉक्टर साहब लेट मी टेल यू ऑन द पब्लिकली विद एवरीवन, इट वाजंट इजी, इट वाजंट ओके। इजी, हाँ बिल्कुल मुझे अंदाजा है, बिल्कुल, और हर वही एक्सक्यूज 3 हफ्ते आपकी पहले जो होते हैं वही मुश्किल होते हैं। सबसे बड़े मुश्किल थे। अच्छा, दूसरे तीसरे टांगे आपकी सोर हो जाती हैं, थक जाता है, अच्छा आज नहीं, फिर वो ऐसे फिर वैसे,
अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी क्या रूटीन बन गई है, सुबह उठ के नमाज पढ़ी, अलार्म के बगैर खुद ही जागा जाती, टाइम से पहले, टाइम से 10 मिनट पहले ही जागा जाती है, यू नो, क्या बात है, नमाज पढ़ी, उसके बाद अगर ठंड नहीं है उस दिन सुबह सुबह, कहीं तो यहाँ वेदर आजकल चेंज हो रहा है ना, कोई बात नहीं, बिल्कुल तो वो मैं उस फौरन सूर्य निकलने से पहले बाहर निकल गया। तो आप करते करते अभी इंशाल्लाह ये अभी आज क्या डेट है, 20 23rd, तो अगर आप इसको देखें तो ये मतलब 40+47 समथिंग डेज, 50 होने वाले हैं 2 4 दिनों में ना, 5 दिनों क्या बाद बात है 45 डेज। जी, बिल्कुल आप उसका रिजल्ट ये है कि आप, मुझे ऐसे लगता है जैसे खाना मिसिंग है, खाना मिसिंग है। एग्जैक्टली अब ठीक है, आपको वो हैबिट हैबिट हो गई ना, बिल्कुल इट टेक्स हो 21 days टू गई। मेक और इट मेरे हैबिट, बिल्कुल कैलेंडर में बिल्कुल 2 घंटे रोज के वॉक के कैलेंडर में, जैसे मीटिंग स्केड्यूल होती है ऐसे स्केड्यूल में, ठीक है, और वो रिमाइंडर आ ठीक रहा है कि यू हैव टू गेट आउट, यू हैव टू गेट आउट। है, आज की डेट में अभी अभी 2:45 हुए हैं यहाँ पे अटलांटा में, जैसे आपका सेम टाइम है, तो अभी जी आज 4 से 6 बजे शाम को करनी, जो सुबह ठंड थी आज। और मेरे साथ एक और मोहम्मद सिद्दीक हैं जो स्वानी में ही हैं हमारे हाँ शहर मैंने में। हाँ देखा था, एक और जुड़ गए हैं आपके स्वानी से, एक और साहब आ गए जी। वो ऑनलाइन देखते हैं, कहते हैं अगर आप कहें, वो तो माशाल्लाह रिटायर्ड हैं घर में, मतलब वो मियाँ बीवी होते हैं, तो वो कहते हैं अगर आप कहें तो मैं आपके साथ आ जाता हूँ। मैंने कहा मैं आपको, मैं टाइम बताता हूँ, हर रोज टाइम बताऊंगा कितने बजे मैंने आज जाना है, वेदर के हिसाब बिल्कुल से ठीक है अपने बाकी स्केड्यूल को अकोमोडेट करते हुए, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा इतने बजे फलां जगह पे हम वॉक करेंगे आज, आप आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो मैं आपका इंतजार करके वेट नहीं करूंगा, मलक साहब आ रहे हैं, मलक साहब अगर आप सुन रहे हैं तो ये आपको पता ठीक है मैं क्या कह रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि सही अगर है वो 10 मिनट लेट आएंगे तो मैं, मेरा वो टेम्पो ही टूट जाएगा, यू नो, बिल्कुल बिल्कुल जैसे यस्टरडे मैं 1 माइल कर चुका था जब वो आए, कहते मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, मैं क्या वेट करें जब मैं आपके सामने से गुजरूंगा फिर आप ज्वाइन कर लेना, मतलब नाउ यू कम ऑन टाइम एवरी टाइम, यू नो, एग्जैक्टली बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल वो भी बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, वो अभी एक हफ्ते से मेरे साथ वो वॉक कर रहे हैं, तो अच्छा गपशप भी हो जाती है, माशाल्लाह ही इंजीनियर, वो बड़ा एक्सपीरियंस है उनका, यू नो, तो एक गपशप भी हो जाती है, लेकिन हम वॉक करते रहते खड़े खड़े होकर, वॉक नहीं करते चलते चलते, फिर एंड जब वॉक खत्म होती है 3 4 5 मिनट की, एक टॉपिक पे मैं बात करता हूँ छोटी सी, जो भी आ जाए, कैजुअल हो, डजंट मैटर, वो स्वेटिंग है, मतलब सांस चढ़ा हुआ है, उससे ऐसे कोई तल्लक नहीं है, मकसद ये कि एक तो सबको पता चल गया कि आज मैंने वॉक किया, ताकि लोगों को इंस्पायर किया, देखा वो जो लेन है वो भी कर रही है वॉक, वो भी रोज बात करती है, और कोई और भी लोग मुझे प्राइवेट में ऐसे आते हैं, जी आपको देखे मैंने वॉक शुरू कर दी, चले अच्छा यार लोगों की मूवमेंट शुरू हुई है, अल्लाह करे सारे बिल्कुल लोग हेल्थी हो। बिल्कुल आई डिड इट बिल्कुल फॉर माई हेल्थ, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आई फील लाइक 10 टाइम मोर एनर्जेटिक होल डे, और मतलब जिसे कहते हैं ना नींद भी अच्छी आती है बंदे को जब वॉक की हो, और सारा दिन अपना काम भी चलता रहता है, बिल्कुल तो बिल्कुल इसमें आपकी अपनी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हेल्थ नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते, यू नो हु नोज बेटर देन यू, बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल यू नो, बिल्कुल नहीं, यू राइट और तो ये मिथ थी या ये वाकई एक सही चीज है कि टेक्स 21 days टू मेक इट अ हैबिट। इट मे टेक मोर देन 21 डेज, हाउ एवर 21 डेज के बाद आपको फील होता है यार ये चीज मैंने करनी है, मे नॉट बी अ हैबिट हैबिट येट, यू नो, हाँ ठीक अच्छा, लेकिन वो स्टेज में आप आ जाता है, यू नो, कि अभी बस यू आर जस्ट क्रॉसिंग द लाइन के मेकिंग एन हैबिट, मेरा ख्याल अभी सही हैबिट भी अभी शायद वो उस तरह नहीं हुई, क्योंकि आई ठीक है स्टिल आई गेट वंस इन अ व्हाइल लिटिल एक्सक्यूज अप टू माय टू योरसेल्फ, नहीं, आज रहने अच्छा दो, एक बार बारिश ज्यादा आ सकती है, बारिश लाइट हो रही है, हाँ नहीं, ठीक अरे है ठीक है, कोई नहीं, हालांकि बारिश में बाकी सारे काम करते रहेंगे, जब वॉक का टाइम है तो उसमें बारिश कहाँ आ जाएगा, बारिश हो ठीक गई बिल्कुल है, एग्जैक्टली तो जब वो बिल्कुल चीजें भी खत्म हो जाएंगी, जैसे खाने खाने के लिए तो आपको कोई एक्सक्यूज नहीं होती ना, हमें वो वाली बिल्कुल हैबिट करने के लिए करना ये है कि आपने डेली प्रोग्रेस करनी है, बिल्कुल यू बिल्कुल हैव टू सही डू इट बात एवरी डे, बिल्कुल उसमें बिल्कुल 3 डेज अ वीक 5 डेज अ वीक में हैबिट नहीं होती, जो बाकी 3 दिन में वो आदत खराब हो चुकी होती, मसला ये हाँ दैट्स राइट बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो हमारी ये दुआ है जनाब कि आपकी जो वॉक है, अच्छा वॉक तो खैर अपनी जगह है ठीक है, वॉक कर रहे हैं आप उससे आपको फायदा हो रहा है, लेकिन आपने ये बड़ा अच्छा किया है कि अब जब आप वॉक कर रहे होते हैं या वॉक कर चुके होते हैं तो आप एक थोड़ी सी देर का आप एक फेसबुक लाइव करते हैं, तमाम दोस्तों के साथ आप बातचीत कर रहे होते हैं, आप उन्हें बता रहे होते हैं कि जी दुनिया में क्या हो रहा है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या ऑप्शंस हैं उनके पास काम करने के। तो ये आपने पहले से प्लान किया हुआ था कि यार मैं वॉक शुरू करूंगा तो मैं इस तरह की लाइव्स करना शुरू कर दूंगा, मैं ये लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, या ये बाद में आपको ख्याल आया, कैसे आया? ये पहले दिन ही जब ख्याल आया, जो 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 बात जिस बात का आपको खुद ना पता हो तो आप दूसरों से पूछते हो ना, बेसिकली यही होता है ना, अब ठीक मैंने है कहा बिल्कुल कि ये कैन आई काउंट ऑन योर हेल्प, मुझे बताएं कि ये मैं वॉक कैसे कर सकता हूँ, तो उन्हें वो मतलब लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने कहा नहीं नहीं आप वॉक करें, फ्रा ये सैमसंग हाल चाल में करें, तो फिर मैंने कहा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, जब वॉकिंग बड़ी चाहिए होता है ना बेसिकली, अब अमेरिका बड़ी में चाहिए कैनेडा में मसला ये है कि यहाँ पे लोगों के पास टाइम ही नहीं मैच करता, सबसे बड़ा मसला यहाँ पे टाइम का, बाकी सब कुछ हो सकता है ना,
बिल्कुल बिल्कुल अच्छा वो टाइम मैच नहीं करेगा तो अब नाउ आई नीड अ वर्किंग बडी, सो आई रियली यूज कोट एंड कोट द फेसबुक फ्रेंड्स एज अ वर्किंग वर्किंग बडीज, बडीज, ये ठीक है, चीज दे ठीक बिकम अ वर्किंग बडी एंड दैट बिकम माय अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. एक दिन मैं लेट हुआ तो मुझे कितने मैसेज आए प्राइवेट, सीख साहब आज खैर है तो ठीक है किधर है। जैसे. हाँ एग्जैक्टली, वॉक पे नहीं आए आप, आज क्या हो गया, ये देखे ना, ये हाँ उस टाइम अकाउंटेबिलिटी का पार्टनर का यही काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बेसिकली आजकल ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया, अब वर्चुअल वो हो गया ना बेसिकली, एंड इट्स वर्किंग बिल्कुल वेरी वेल, यू नो इट्स हेल्पिंग, एंड अगेन एवरी डे वन थिंग पीपल आर लर्निंग इंक्रीमेंटल मेकिंग ए प्रोग्रेस इन देयर थॉट प्रोसेस, यू नो बिल्कुल बिल्कुल ये भी बिल्कुल चीज है. तो उसमें बिल्कुल कोई इतना स्केड्यूल नहीं होता, बस थोड़ा सा पहले सोच लेते हैं कि आज किस टॉपिक पे बात करनी है, लेकिन आपको पता डॉक्टर साहब जितनी बात छोटी करनी उतना ही सबसे मुश्किल काम होता है, वो एक टॉपिक पे दो हाँ, तीन दिन करना उतना ही मुश्किल काम है. छोटी बात करना मुश्किल होता है जी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी कहानियां डालना आसान है, लेकिन छोटी कहानियां आसान है, छोटी बात करना मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है आपने। और यार बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, मैं लिटरली मैं ये चाह रहा हूँ कि इस टाइम को यूज करूँ, सिद्दीक साहब के एक्सपीरियंस से हम फायदा उठाएं सब लोग। आप तमाम दोस्तों के कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं और मेरे दिल के बहुत करीब हैं आप लोग सब। आपका बहुत बहुत जो भी शुक्रिया कि कमेंट आप कर लोग रहे हैं, मुझसे वॉच जुड़े कर रहे हैं। हैं, लाइव कर रहे हैं, रिकॉर्डेड, मेरा सबको दोनों हाथों सीट, से आपको यस, सलाम, दोनों दोनों हाथों हाथों से, से, दोनों हाथों से दोनों सलाम हाथों आप से कमेंट तमाम किया, लोग लाइक किया, जो हमारे शेयर साथ किया, जुड़े यू हुए नो हैं। शेयरिंग इज केयरिंग, ताकि लोगों में इंस्पिरेशन को एग्जैक्ट स्प्रेड करें, असल बात ये है, एग्जैक्ट नेगेटिविटी बिल्कुल बिल्कुल, और को आप फायर कर दें अपनी जिंदगी में, फायर कर, नेगेटिविटी जस्ट आपने अपना ये जो रियल स्टेट है ना आपका, अपना घर रेंट पे फ्री में दिया हुआ, नेगेटिविटी दिमाग में डाल के नेगेटिविटी को फायर बिल्कुल कर दें, बिल्कुल हंड्रेड बिल्कुल परसेंट फायर करें। बिल्कुल. एग्जैक्टली ये चीज बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और तो सदीक भाई, आप अब हैबिट हो गई है आपकी, ऑलमोस्ट कहने के 90% कहेंगे, कितना परसेंट में आपकी हैबिट हो गई है अभी? मुझे लग रहा है कि वेरी क्लोज टू 95%, अभी थोड़ा नाइन्टी सा फाइव वो अपने बस आप को ठीक, 5% रह गया। ठीक है हाँ ठीक है ठीक इंशाल्लाह, लेकिन है, वो मतलब मुझे मुझे अक्सर ब्लेम दिया जाता है, मैं वेरी सिंगल ट्रैक के, वो जिस चीज अच्छा में मैं दिमाग गाड़ जाए, वो जैसे खाने का मैंने 2 साल में कर लिया, अब खाने का मुझे कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई रोटी में कभी मिस नहीं करता, चावल मिस नहीं करता, कार्ब्स इज गॉन फ्रॉम माय लाइफ. कभी तो किसी शादी शुदी पे जाना करना पड़ जाए, एक दिन मुझे वो तकलीफ होती है, आज रोटी खानी पड़ गई है, वो मसला हो ये गया. बेगम ने तो नहीं कहा आपकी? नहीं, बेगम की बात तो अच्छा कम ही लोग सुनते हैं. लेकिन वो वैसे बहुत अपना वो अपना ख्याल हाँ, रखती हैं, वो खाने का ख्याल कहती भी रहती हैं, लेकिन ये कि आप नहीं तो फिर इस पे जवाब ये होता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, क्या ऑन अ सिंगल ट्रैक, बिल्कुल ठीक तो है। ये अच्छा इसी तरह जैसे खाने की हैबिट बनी, जो कि वॉक से ज्यादा मुश्किल है खाने की हैबिट को चेंज करना. मुश्किल अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल मुझे अंदाजा है कि कितना मुश्किल हुआ होगा आपको। नो कार्ब्स इनकी डाइट जना, बिल्कुल नो कार्ब्स की डाइट है, और ओनली प्रोटीन एंड शेक्स एंड ऑल दैट। बिल्कुल जी, तो मतलब उसमें अगर कार्ब्स हैं तो वो हेल्दी वाले हैं ना बेसिकली, जो ठीक है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं वो हेल्दी होते हैं, जो सिंपल कार्ब्स हैं रोटी है चावल है इसमें सिंपल होते हैं वो नहीं आपको लेने ना, तो वो आदत बना के फिर वॉकिंग बिकम्स एन इजियर बेसिकली, यू नो. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा, बिल्कुल ठीक और कहा। दूसरी बात, जो इसका अंडरलाइंग फ्रेमवर्क है, वो पीपल वांट टू नो कि हाउ टू एक्चुअली फिनिश, यू हैव टू बी फिनिशर नॉट अ स्टार्टर ना बेसिकली, असल बात ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है. हाँ और लोग कह रहे हैं कि जी अभी 95% हुआ है, अभी हाँ 5% बाकी है, तो जी उस 5% को करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए कि आप यू गेट थ्रू दैट लास्ट लीप, क्या कर रहे हैं आप? मैं मुझे कोई मुझे बेसिकली कई दफा एक स्टेज आती है कि जिसमें जो आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करें तो आप ठीक हो जाते हैं, आप ठीक है, उसको कि रुकना नहीं है, पाज नहीं करना, बहुत दफा रुकना हम नहीं है, कहते हैं आई बिल्कुल वांट टू डू ठीक बेटर, आई वांट टू डू बेटर. अभी ठीक मेरा गोल ये है, पहले मेरा 60 मिनट का था तो उसमें मतलब 2-3 माइल हो गया, जितना भी हो गया मुझे स्पीड से गर्ज नहीं थी, ठीक है, फिर अगले सही, अब 6 मंथ जो यह शुरू हुआ तो मैंने कहा 7500 स्टेप्स करने हैं डेली और 90 मिनट वॉक करनी है, ताकि आप ना इतनी देर आप चल सके. बिल्कुल ठीक है, अब मैंने बिल्कुल अपना ठीक जो है, टारगेट है थोड़ा सा मूव किया है, 90 मिनट की वॉक है और 10,000 स्टेप्स करने हैं, पहले 7500 थे अब 10,000 है, टाइम अब ठीक, टाइम ही बढ़ाना, अब सिर्फ स्टेप्स बढ़ाने हैं बेसिकली, उससे स्टेप्स एक आप बढ़ाना है, इंटेंसिटी आ ठीक जाएगी, जब बिल्कुल ठीक है, मैं 90 मिनट में 12,000 प्लस स्टेप्स कर लूंगा ना, दैट्स अ हैबिट, दैट्स हैबिट, बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल उससे आपका हार्ट बीट, लंग्स, ये यू नो एवरीथिंग, ऑल द हेल्थ पार्ट विल बी दैट मीन आई हैव अडॉप्टेड इट, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी आपको रिएक्ट नहीं करेगी वॉक करने में. बिल्कुल
बिल्कुल, वो बिल्कुल उसको यूज्ड टू हो चुकी होगी, अडॉप्ट कर चुकी होगी उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी मैं अडॉप्शन टेंथ बहुत और बड़ी चीज है। अडॉप्शन बहुत बड़ी चीज है, तो टेंथ और इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस करनी है, ये नहीं फौरन जंप करेंगे तो आप गिर जाएंगे जंप ना। नहीं होता। नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल, नहीं सडन चेंज तो जो है कुछ भी जो है वो इम्पैक्टफुल नहीं होती। बिल्कुल, नेगेटिव सस्टेनेबल नहीं इम्पैक्ट होती होती, है, आपको चीज वो अडॉप्ट करनी है जो सस्टेनेबल नहीं। सस्टेनेबल हो बेसिकली, और बिल्कुल आप अपने बिल्कुल मर्जी से, अगर आप पहले 9,000 स्टेप्स कर रहे हैं, फिर 9,100 कर रहे हैं, 9,200 कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एज फार एज यू आर बिल्कुल मेकिंग इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस, बिल्कुल इट्स ऑल गुड बेसिकली, दैट्स व्हाट दैट इज, यू नो। बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल, जनाब, किसी भी सवालात काम में, आपके हर सारे काम में। जवाब दिया जाएगा, सिद्दीक साहब उनके सबके जवाब देंगे, लेकिन ऑफलाइन जवाब देंगे। मैं इस वक्त बिल्कुल, ये सब दोस्तों के साथ ज्यादती हो जाएगी कि मैं अगर किसी का सवाल लूंगा तो बहुत सारे दोस्त इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन इन तमाम आपके कमेंट्स के जवाब मैं भी कोशिश करूंगा देने की, और सिद्दीक साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इनके जवाब आते हैं, आपको जरूर देंगे। बिल्कुल, कुछ और जी ऐड बिल्कुल करना चाहेंगे सिद्दीक भाई, जो हमने मिस कर दिया, जो हम बताना चाह रहे हैं, जो ये चैलेंज आपने लिया, 21 डेज का चैलेंज आपने लिया, और अब आप माशाल्लाह से इसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं, और आपकी ऑलमोस्ट 95%, 96% आपकी हैबिट हो गई है। जी, इसमें ऐड यही करना है कि जो कोई कोई भी कोई काम कर रहा हो, वॉक हो या कोई काम कर रहा हो, प्रोग्रेस कर रहा हो, तो उसको मेंटली, वर्चुअली, स्पिरिचुअली, जिस तरह भी आप सपोर्ट कर सकें तो कर दें, उसकी नेगेटिविटी में ना आए उसकी कभी भी, तो नहीं नहीं ये बिल्कुल बुढ़ा ना ऐसे क्या बोलो, इसकी कोई एज है, यू नो, यू हियर ऑल दोस थिंग्स व्हिच इज, आपको पता, आपको पता, आई डोंट माइंड, इन फैक्ट आई जस्ट एज लाफ एट एज माय इज अ सेल्फ, नंबर, एज इज जस्ट अ एज इज अ नंबर। नंबर, यस। तो आप उसकी कोई अच्छा काम कर रहा हो, कोई भी, मैं अपने लिए नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूँ, उसको तो अप्रिशिएट करें। आप उसको अप्रिशिएट करें, अगर आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं तो करें, नेगेटिविटी अपने पास रखें, बल्कि इट्स नॉट गुड फॉर यू, जस्ट फायर इट, दैट्स नॉट गुड हैबिट टू हैव एनीवे, ठीक है, नेगेटिविटी को ना फैलाएं, उसको अपने पास रखें, और हो सके तो उसको फायर कर दें आपने। बिल्कुल बिल्कुल फायर कर दे, चूंकि दैट्स नॉट हेल्पिंग यू, ठीक है, ना बिल्कुल ही है, उसको हेल्प कर रही है, आपको नुकसान दे रही है, उसको तो वो तो सुन भी नहीं रहा बेसिकली, जो कोई अच्छा बिल्कुल काम कर रहा है उसने नेगेटिविटी को फायर किया, उसके बगैर वो अच्छा काम कर ही नहीं सकता, बेशक वो अपनी हेल्थ के लिए कर रहा हो, नहीं कर बेशक सकता। वो कुछ भी कर रहा हो ऑनलाइन, ठीक है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, चूंकि इसमें नेगेटिविटी भी आती है, नहीं जी फलां बंदा तो ये वो 12 मिनट में माइल कर लेता है, आप तो 20 मिनट में माइल कर लेते हैं, आई हियर ऑल दोस थिंग विच इज ओके, बिल्कुल गुड फॉर हिम, आई एम हैप्पी फॉर दैट पर्सन, लेकिन भाई मैं तो बिल्कुल वो बंदा हूँ जो पूरा साल वॉक नहीं करता था, अब उसको मैं क्या बता रहे हो 12 मिनट में माइल करके, मैंने मैंने कोई नंबर वन थोड़ी बनना है, मैंने तो सिर्फ अपने बिल्कुल आप को मूवमेंट ऐड करनी है, ट्रू, नंबर वन होना जरूरी नहीं है हर फील्ड में, आप अपनी जिंदगी में इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस करें, उससे आप भी ठीक होंगे, काम कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने काम में भी इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस पे फोकस रखें, तो उससे देख के दूसरे लोग भी इंस्पायर होंगे, वो भी इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस करेंगे, तो एंड क्या होगा, पूरी नेशन हम अपलिफ्ट होगी, और हमारा कंट्री, वो किसी भी दुनिया में आप हैं, तो यू विल अपलिफ्ट योर सेल्फ एज ए होल नेशन, दैट इज क्या द बात पर्पज, है। जस्ट फोकस ऑन लिटिल थिंग्स, एंड डजंट बिल्कुल हैव टू बी सो सो बिग, नो, दैट्स द होल बिल्कुल टोटल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपने जबरदस्त आपने मशवरा दिया, बात की आपने, और वाकई छोटी छोटी चीजों पे फोकस करें, और इंशाल्लाह उनका बिगर इम्पैक्ट जो है वो सामने आएगा। बहुत शुक्रिया सदीक साहब, आई एम ग्लैड कि आपने वो 21 डेज का चैलेंज लिया और आपने उसको पूरा किया, और नाउ इट इज बिकमिंग अ हैबिट। और मैंने इनसे कहा था कि जी, इन्होंने जब मुझे अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाया सदीक साहब ने, तो मैंने इनसे सिर्फ एक चीज अर्ज की थी, वही कहा था कि इफ यू डू इट फॉर 21 डेज इट विल बिकम अ हैबिट, और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज हुई, और अब माशाल्लाह से आप देख रहे हैं सदीक साहब के बहुत ज्यादा फिट हैं, एनर्जेटिक हैं। खैर, एनर्जेटिक हमेशा पहले से थे, बट ही इज नाउ मोर एनर्जेटिक, और मोर रिवॉर्डिंग है इनके लिए बाहर जाना, और बाहर जा करके बहुत सारे उसके फवायद हैं, अनगिनत फवायद हैं उसके। आप यू ब्रीद फ्रेश एयर, आप वॉक करते हैं, आपके जॉइंट्स आपके ठीक रहते हैं, आप का दिमाग जो है वो अपनी जगह पर आता है, वरना घर में बैठे हुए चारों तरफ ये चार दीवारियां देखते हुए जो है वो कितना आदमी इंजॉय करता है, लेकिन आप बाहर निकलते हैं, आप नेचर को देखते हैं, नेचर से इम्प्रेस होते हैं, नेचर को अप्रिशिएट करते हैं, आप अपने अल्लाह की क्रिएशंस को देखते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, क्रिएशंस को अप्रिशिएट करते हैं चाहे वो कैसी भी हो, और अल्लाह ताला की अप्रिसिएशन इवेंचुअली वो होती है। तो हमारी ये दुआ है सदीक साहब के आप इसी तरह जो बाकी आपका 5% 4% रह गया है वो भी पूरा हो जाए, और आप 100% जो है वो इसी तरीके से आप काम कर दें। एक चीज़ मैं आप सजेस्ट करूँगा कि डू नॉट लेट वेदर कम इन योर वे। मुझे मालूम है कि सर्दियाँ आ रही हैं, बर्फ़ आ रही है, बहुत दूर नहीं है,
और उससे फिर क्या होता है कि यार कौन जैकेट चढ़ाए, कौन टोपा पहने, कौन मफलर बांधे, कौन स्नो बूट पहने बाहर जाए, चलो घर में ट्रेडमिल पे कर लेता हूँ, लेकिन डोंट लेट दीज थिंग्स बॉदर यू, कंटिन्यू कीजिए। मेरी ये दुआएं अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरी नेबरहुड में एक बंदी है, 19 साल से इधर रह रही है, 19 साल से शी नेवर मिस्ड अ डे इन अ वॉक। बिल्कुल और बिल्कुल वो मैं उधर मेरी मिलती है कई दफा, मेरे मैंने पिक्चर भी अभी मैंने अपलोड करनी है वो उसको, वो मुझे मैंने कहा बताया कि ये सर्दियों में ठंड में और बारिश में ये कैसे करती हो, कहती है जस्ट नीड गियर्स, लाइक वो किसी कानों पे लगा लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर, आई हैव इट एवरीथिंग, मैं आपको सारे से लिंक सेंड कर दूंगी, जस्ट बाय वाह, देम दैट वे नथिंग विल स्टॉप यू। मैंने उसको यही पूछा कि वो आप ये कैसे करती हो, कहती आई डू इट एवरी डे, वो मेरी इंस्पिरेशन है यू नो बेसिकली, एंड वी बहुत मेट मेनी टाइम, इनफैक्ट वो इतना तेज चलती है कि मैं एक दिन उसके साथ उनके साथ फिर 1 माइल चला तो मेरी बस हो गई थी बिल्कुल, यू नो 19 साल के बाद कहती आई आई कैन नॉट इवन स्टार्ट अ डे विदाउट दिस, यू नो दैट्स हाउ वाह शी इज। अमेजिंग अमेजिंग। और हमारे घर से सामने से गुजरती है तो हमेशा नजर आती है, बल्कि हम कभी मियाँ बीवी वो किचन में वो नाश्ता वाला वो करके देख, अच्छा वो जा रही है, देखो ये इसको चैन ही नहीं है बिल्कुल ना, चैन वो कहा भाई, उसने तो अपनी जिंदगी का एक्टर रखा हुआ है, हम बैठे बात कर रहे हैं, कोई फायदा कोई नहीं ना बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई मैंने शक उसको नहीं। बताया कि हम आपकी बात इस तरह करते थे, मतलब ताकि ये देखिए इसको कभी सर, कहते मुझे नहीं लगती वो, जो मेरे पास सारा कुछ है इंशाल्लाह मेरे पास वो लिंक दे देगी मुझे, तो बिल्कुल मैं सारी चीजें करके तो आई विल गेट इट, बिकॉज That's again, I'm firing off, planning to fire off those remaining 5% excuses. Basically, that's what बिल्कुल I did. बिल्कुल, वो फायर करना, एक्सक्यूजेस हैं, Fire बिल्कुल अपने ये एक्सक्यूजेस को एक्सक्यूजेस ही फायर हैं करते जो हैं हमें आगे नहीं बेसिकली। बढ़ने देते। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है आपने। चलिए तो Yeah. आपको मेरे शो का पता है कि जब मेरे साथ कोई सेलिब्रिटी होते हैं तो वो शो को एंड करते हैं, मैं नहीं करता। और आज तो सेलिब्रिटी से भी आगे की चीज़ हैं, मेरे उस्ताद हैं, जिनकी वजह से सोशल मीडिया पर मैं आज वो हूँ जो हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस शो को आप एंड कीजिए सिद्दीक साहब। ओह माय गॉड, नहीं आपसे ही सीखा नहीं ये, आपसे ही बिल्कुल सीखा। मैं समझ गया समझ गया। प्रोग्रेस को जिंदगी का हिस्सा बना लें, कोई भी आपकी जिंदगी में कोई भी काम है उसमें प्रोग्रेस डेली आपने प्रोग्रेस ऐड करनी है, सो टुडेज वर्ड इज प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के बगैर कुछ नहीं होता, अदरवाइज स्टैंड स्टिल हो जाएगा, ब्लड की सप्लाई भी रुक जाए तो इंसान चला जाता है, उसमें भी वो मूवमेंट है, तो अपनी जिंदगी में कोई भी काम करें उसमें मूवमेंट होनी चाहिए, मूवमेंट क्या है, प्रोग्रेस है और क्या है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल और जो भी एक्सक्यूज आती है उसको फायर कर दें, गुड बाय टू एक्सक्यूज, एक्सक्यूज डजंट हेल्प यू, यू आर जस्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ टू स्टॉप, मोस्ट ऑफ द पीपल स्टॉप देम सेल्फ, दे आर अपने आप को सबोटाइज कर रहे थे, उसको कोई नहीं कर रहा था, नो वन इज स्टॉपिंग यू, इट्स ओनली यू, लोग क्या कहेंगे फॉरगेट दैट, हु केयर्स, यू नो, अब बिल्कुल लोग क्या कहेंगे, दो बुढ़े ये लाइफ वो आ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता उससे, नहीं, दो नहीं, जस्ट दो नहीं, एक अच्छा ठीक है तो ठीक मकसद ये है कि प्रोग्रेस, दैट्स टुडेज वर्ड इज प्रोग्रेस एंड ऑलवेज फोकस ऑन बिल्कुल मेकिंग अ प्रोग्रेस इन योर लाइफ। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। चलें जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, बहुत मशकूर हूं मैं कि आप लोग साथ आए और आप लोगों ने शो को वॉच किया। बहुत सारे ऐसे दोस्त मेरे साथ हैं जो कि पहले शो पर नहीं आए और आज इस शो पर मौजूद हैं। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफी चाहता हूँ एक बार फिर कि मैं आपके कॉमेंट्स और आपका नाम मैं नहीं ले सका, लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तमाम कमेंट्स के जवाब दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह थैंक यू हाफिज़। अल्लाह।